कार्य होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो उष्मागतिकी का कार्य या सिद्धांत क्या है, आइए देखते हैं। निकाय एवं परिवेश, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है ना, निकाय एवं परिवेश, कोई निकाय होगा, कोई सिस्टम होगा एवं परिवेश के मध्य किसी मात्रा या निरपेक्ष गुण में अंतर के फलस्वरूप उनके बीच होने वाले ऊर्जा स्थानांतरण को कार्य कहते हैं। मतलब कुल मिला के यह है कि कोई भी चीज है जिसमें ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है या कोई कार्य हो रहा है, इस प्रकार को अगर कोई चीज हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, कार्य कहेंगे। लेकिन उष्मागतिकी कार्य कहेंगे, इसका मतलब क्या है? उष्मागतिकी कार्य का मतलब है उष्मा के द्वारा हो रहा है वो चीज, उष्मा के द्वारा स्थानांतरण हो रहा है, तो इस प्रकार के कार्य को क्या कहेंगे, उष्मागतिकी का। उष्मा, जैसा कि एक और डिफिनेशन नीचे आपको दिख रहा है, उष्मागतिकीय कार्य एक ऊर्जा स्थानांतरण है तापांतर के अलावा किसी अन्य कारण से भी हुआ। उष्मागतिकी का जो कार्य है या सिद्धांत है वह यह है कि उष्मा का स्थानांतरण हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उष्मा का स्थानांतरण हो, लेकिन यह जो कार्य हो, यह जो वर्क डन हो, वह तापांतर के द्वारा ना हो, किसी अन्य माध्यम के द्वारा हो, किसी अन्य प्रकार से हो, है ना, बल के द्वारा हो, किसी अन्य के द्वारा हो, तो इस प्रकार के जो उष्मा के द्वारा कार्य होता है, इस कार्य के सिद्धांत को क्या कहते हैं, उष्मागतिकी कार्य। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आपको ग्राफ के माध्यम से भी समझाने की कोशिश किया गया है, तो आप देख सकते हैं। मान लीजिए एक एक्सिस पे क्या हमने मान लिया, पी पावर, दूसरे पे वोल्टेज मान लिया। ठीक है, तो एक एरिया देखिए, यहाँ से यहाँ तक कार्य किया गया, मतलब यहाँ से उष्मा को यहाँ तक ले गया गया, एरिया वन और एरिया टू, जैसा कि आपको दिखाया गया है। तो अगर इसका हमको छोटा सा पार्ट पता हो, ये डेल्टा भी जो छोटा सा पार्ट है उसको पता हो, और एक छोटा सा इसका हमने स्मॉल पी एक्चुअल में स्मॉल पी ले लिया, और उसको इस छोटे से पार्ट के अपेक्षा क्या कर दिया, समाकलन कर दिया। हम आपको समाकलन और अवकलन का गुण बताए थे। अवकलन का गुण ये होता है कि कोई बड़ी चीज हमको पता रहती, छोटी चीज जब प्राप्त करने रहती है, क्या करते हैं उसको, अवकलन करते हैं, जहां से जहां तक रहेगा उतना लिमिट ले लेंगे। उसी प्रकार समाकलन कब करते हैं, समाकलन तब करेंगे, मान लीजिए आपको किसी चीज की छोटी चीज पता है, छोटा सा पार्ट एक पता है, पूरा पार्ट आपको पता करना है, तब क्या करेंगे, उसका लिमिट ले लेंगे जहां से जहां तक ज्ञात करना रहेगा, और उसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से समाकलन अवकलन का गुण होता है। तो यहाँ पे हमको छोटा सा पार्ट मान लीजिए डेल्टा भी पता है कितना तापांतर है, उसी प्रकार उसका अगर पूरा पार्ट का हमको पता करना है या पूरा कार्य हुआ कितना पता करना है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, उसको समाकलित कर लेंगे, कहाँ से कहाँ तक, वन से टू तक समाकलन कर लेंगे। तो टोटल कार्य जो तापांतर के द्वारा हुआ है ना, तापांतर के द्वारा कार्य नहीं होगा, ये मैंने जैसे कि डिफिनेशन में बोला है ना, तापांतर के अलावा किसी भी कारण अगर कार्य हुआ है, तो प्रेशर मान लीजिए लगा हुआ है जिसके कारण ये हुआ है, तो उसके उस कार्य को ही क्या कहेंगे, हम लोग टोटल वर्क कहेंगे, और उसको इस प्रकार से समाकलन करके निकाल सकते हैं। ठीक है, ये उष्मागतिकी कार्य है, थर्मोडायनेमिक्स वर्क है। इसका मतलब सीधा सीधा आपको समझ लेना है कि थर्मोडायनेमिक्स वर्क क्या होती है, वह वर्क जो उष्मा के अंतर के कारण न हो, तापांतर हो लेकिन उष्मा के अंतर के कारण न हो, किसी अन्य कारण से हो। ठीक है, उष्मा अंतर वैसे रहेगा तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक उष्मा अंतर के द्वारा कण जाएंगे ही जाएंगे, तो उस जो इस प्रकार से कार्य हुआ रहता उसे उष्मागतिकी कार्य कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग इसी का देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, ऊर्जा मतलब कितने प्रकार से प्राप्त होते हैं, ऊर्जा के कौन कौन स्रोत हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो ऊर्जा के स्रोत जो हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या क्या हो सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरह से आती है कि ऊर्जा क्या होती है तथा यह कितने प्रकार के होते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। 5 नंबर का ये क्वेश्चन फिक्स है,
नानक परंपरागत अपरंपरागत जैसा कि ऊर्जा आप लोग पढ़े होंगे उसी प्रकार का है ये। इसमें ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं तो क्या क्या होते हैं विस्तार पूर्वक समझाइए। तो ये 5 नंबर का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसको आप लोग ध्यान पूर्वक अच्छे से पढ़ लीजिए और आराम से आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऊर्जा के स्रोत कौन कौन है? जीवाश्म ईंधन या उष्मीय ऊर्जा जिसे कहते हैं, जल के द्वारा भी ऊर्जा प्राप्त होता है, ज्वार जो समुद्र में ज्वार भाटा आता है उसके भी द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है, पवन ऊर्जा जो हवा है उसके द्वारा भी ऊर्जा प्राप्त होती है, सौर ऊर्जा मतलब सोलर एनर्जी तो जो सूर्य के द्वारा एनर्जी प्राप्त होती है आप लोग जानते ही हैं सोलर सेल होता है ना, जैव है ना बायोमास जैसे गोबर ये सब जो है, और नाभिकीय ऊर्जा न्यूक्लियर, अभी मैंने पिछले ही लेक्चर में आपको बताया था न्यूक्लियर पावर प्लांट तो न्यूक्लियर के द्वारा ही एनर्जी प्राप्त हो रही थी। और 8वां जैसा कि है भू ऊष्मीय ऊर्जा मतलब जियो थर्मल एनर्जी, आप जानते हैं आप सुने होंगे कि पृथ्वी के अंदर भी कई प्रकार की ऊर्जाएं हैं, मतलब तापांतर रहता है ना, या फिर हम लोग कहते हैं पृथ्वी के अंदर बहुत गर्म रहता है कहीं कहीं, तो उसकी एनर्जी को निकाल के हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं बिजली बनाने में, अन्य चीजों में किसी भी प्रकार से उसका यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने आपको ऊर्जा को पहले ही बताया, 2 प्रकार के परंपरागत और अपरंपरागत 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो परंपरागत अथवा व्यवहारिक ऊर्जा क्या होती है, जैसे हमको जो ऊर्जाएं पृथ्वी के अंदर से प्राप्त हो, कोयला हो गया, तेल, गैस, नाभिकीय ऊर्जा, ये सब जो भी प्राप्त होते हैं इन्हें क्या कहते हैं परंपरागत ऊर्जा, कॉन्वेंशियल एनर्जी। और अपरंपरागत यानी नॉन कॉन्वेंशियल क्या होता है, जैसे हमको जो बाहर से प्रकृति के ही द्वारा दोनों प्राप्त होते हैं है ना, लेकिन ये जो अपरंपरागत रहता है बाहर से जैसे सूर्य द्वारा हो गया, सोलर हो गया है ना, और पवन द्वारा हमको जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है, इस प्रकार की ऊर्जा को नॉन कॉन्वेंशियल ऊर्जा कहते हैं। तो ये 2 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, ठीक है। अब उसी में हम लोग देखेंगे आगे, जो हम लोग ये 8 प्रकार की ऊर्जाएं देखे हैं इन्हीं को एक एक करके हमको पढ़ना है, ठीक है। आपको अपने एग्जाम में ये लिखना पड़ेगा विस्तार पूर्वक, ठीक है। आप मान लीजिए 8 नहीं आया कोई बात नहीं, आपको ऊर्जा क्या होती है ये बता देना है ना। ऊर्जा के बाद आपको कोई भी 2-3 भी अगर आप एक्सप्लेन कर दे रहे हैं तब पर भी आपका काम बन जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो आप कम से कम 4-5 याद रखिए, 8 याद नहीं होते कोई बात नहीं, लेकिन हम पूरा बताएंगे आपको, ठीक है। आइए देखते हैं। तो जैसे हम लोग कह रहे थे 2 प्रकार की ऊर्जाएं होती है, परंपरागत और अपरंपरागत, हमने आपको बता दिया। अब बात करते हैं उष्मीय ऊर्जा या जीवाश्म ईंधन ऊर्जा स्रोत, जो 8 बताए थे उसका पहला टॉपिक यही था, तो हम लोग इसको देखेंगे। उष्मीय ऊर्जा या जीवाश्म ईंधन ऊर्जा स्रोत क्या होती है इसके बारे में आइए देखते हैं। तो उष्मीय ऊर्जा जो होता है या जीवाश्म ईंधन ऊर्जा, जीवाश्म मतलब क्या होता है, जीवाश्म मतलब जीव जंतुओं के द्वारा जो पृथ्वी में दब जाए, सड़ गल जाए, उनके द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसा कि आप लोग सुने होंगे बहुत समय पहले पृथ्वी के अंदर सभी वनस्पतियां जीव जंतु दब गए थे, उन्हीं के कारण हमको क्या प्राप्त होता है, कच्चे माल प्राप्त होते हैं, जिसको हम लोग प्यूरिफाइड करके तेल, केरोसिन, ऑयल, पेट्रोल, डीजल आदि बनाते हैं, बनाते हैं नहीं बनाते हैं। तो इस प्रकार से जो हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, गैस आदि बनाते हैं ना, तो इस प्रकार से जो हमको ऊर्जा प्राप्त होती है उसी को जीवाश्म ईंधन ऊर्जा कहते हैं। ये सभी ईंधन अपने गुणों में परस्पर भिन्न होते हैं, सब क्या होंगे एक दूसरे से भिन्न होंगे। पेट्रोल का काम देखिए दूसरा है, डीजल का काम दूसरा है, गैस दूसरा काम करता है, तो ये क्या है दूसरे से भिन्न, परंतु सभी के संगठन में कार्बन तथा हाइड्रोजन तत्व होते हैं, साथ में कार्बन और हाइड्रोजन के ही कण पाए जाते हैं, ठीक है, ये सब बने रहते हैं। तो आप समझ में आ गए ईंधन या ऊर्जा क्या होती है, पृथ्वी के द्वारा जो हमको अंदर से भूगर्भ से उस पे के बाद सड़ गल के जो हमको एनर्जी प्राप्त होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा। बात समझ में आ गई। तो ये है, इसको प्राप्त कैसे करेंगे, मान लीजिए एक हेडिंग आप और डाल सकते हैं प्राप्त करने की विधि। प्राप्त कैसे करेंगे, पहले इसको जमीन को खोदेंगे और उसमें से जो कच्चे माल निकलेंगे उसी में सब मिक्स रहते हैं, उसको क्या किया जाता है, प्यूरिफाइड किया जाता है,
कई विधियां हैं, जैसे आसवन विधि है, ये सब विधियां हैं जिसके द्वारा प्यूरिफाइड करेंगे और उसमें से जो भी चीजें रहेंगी सबको अलग अलग क्या कर लेंगे, छांट लेंगे और उनको इकट्ठा कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, यूज करेंगे, है कि नहीं। इसी प्रकार आप जानते हैं, अभी जैसा कि हमने पिछले ही क्लास में आपसे बताया था, जल द्वारा है ना ऊर्जा प्राप्त हमको होती है, तो अगला हमारा इसी में है जल ऊर्जा। दूसरा क्या है, जल ऊर्जा, आठों में से दूसरा यही था ना, जल ऊर्जा स्रोत। तो जल ऊर्जा क्या होती है, जल के द्वारा जो ऊर्जा हमको प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, जल ऊर्जा कहते हैं। जैसा कि हमने आपको पिछले ही क्लासेस में आपको बताया कि हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में बताया था, है ना, हाइड्रो पावर प्लांट में मतलब कि जल के द्वारा हम लोग क्या उत्पन्न कर रहे थे, ऊर्जा उत्पन्न कर रहे थे जिससे हम लोग बिजली उत्पन्न कर रहे थे, है ना। तो इस प्रकार से जो हाइड्रो द्वारा जल द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जाती है, इस प्रकार की ऊर्जा को क्या कहते हैं, जल ऊर्जा। और जल ऊर्जा ऊर्जा के स्रोत क्या हो सकते हैं, वही बात है, और हम लोग डैम बनाएंगे उसमें कलेक्ट करेंगे, है ना, तो उससे के द्वारा क्या करेंगे, टरबाइन को घुमाएंगे, यहाँ पे वही दिया है ना, एग्जांपल भी वही दिया है, तो टरबाइन को घुमाएंगे जिसके कारण क्या होगा, बिजली उत्पन्न होगी। विश्व में इसकी उपयोगिता बहुत ज्यादा होती है, उत्पादन भी अमेरिका, कनाडा, स्कॉटलैंड, इटली, स्विट्जरलैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि प्रमुख देश इस प्रकार के बिजली संयंत्र का उपयोग करते हैं, आप समझ सकते हैं, है कि नहीं। तो इसी प्रकार अगला जो हमारा टॉपिक था, अगला जो हमारा ऊर्जा का स्रोत था, ज्वार ऊर्जा, टिंडल एनर्जी। जैसा कि आप लोग सुने होंगे कि समुद्र में ज्वार भाटा आता है, आता है कि नहीं आता, तो उसके द्वारा भी हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसके द्वारा भी टरबाइन को घुमा के मैकेनिकल एनर्जी के द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ज्वार मतलब समुद्र से जो लहरें उठती हैं तीव्र गति से, वो आती हैं और भाटा मतलब वापस लौट के चली जाती हैं, तो उसी में हम लोग टरबाइन फीड कर देते हैं जिसके कारण जब वो आएंगी तेज वेग से आएंगी तो टरबाइन को घुमाएगी, टरबाइन घूमेगा तो अल्टरनेटर भी साथ में घूमेगा, घूमेगा तो क्या होगा, फ्लक्स कट करेगा फैराडे के नियम अनुसार और बिजली उत्पन्न होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से मुफ्त में हम लोग विद्युत प्राप्त कर सकते हैं ज्वार भाटा के द्वारा, ठीक है, समुद्र में जो लहरें बड़ी बड़ी उठती हैं। अच्छा, इसके लाभ क्या होंगे, हानि क्या होंगे, लाभ ही लाभ है, कोई पैसा नहीं लग रहा है और इससे प्रदूषण भी नहीं होगा, है ना, देखिए इसमें प्रदूषण नहीं होता, यह स्रोत सूर्य की तरह अनंत है, मतलब हमें ऐसा आप चाहे जब प्राप्त कर सकते हैं, है ना, लेकिन चाहे जब का मतलब यह है जब ज्वार भाटा उत्पन्न होगा तब, मतलब यह है कि जब उसमें लहरें उठेंगी तभी, और अक्सर आप देखेंगे समुद्र में लहरें हमेशा लगभग लगभग उठती ही रहती हैं। इसमें अधिक बड़ी मशीन लगाने की आवश्यकता नहीं होती, बहुत बड़ा मशीन लगाने की खर्चा नहीं आपको करना है, इसमें खर्च भी कम होगा, जैसा कि पहले ही हमने बोल दिया मुफ्त की मिलती है। हानि क्या है, इसमें बिजली घर को समुद्र तट पर स्थित करना पड़ता है जिसके कारण हमेशा पानी में रहता है, तो क्या होगा, सड़न गलन या कोरोजन जल्दी होगा, मूर्छा जल्दी लगेगा, जल्दी बेकार होगा। दूर स्थानों पर बिजली भेजने में कठिनाई होती है, फिर उसको गांव-गांव तक भेजेंगे, समुद्र के किनारे तो आदमी रहते नहीं, रहेंगे तो अपने घर की तरफ, है ना, इंडस्ट्रियल एरिया उधर रहेंगे, तो वहां तक बिजली ले जाने में खर्चा ज्यादा होता है। ज्वार आने पर ही इसको तीव्रता से प्रतिदिन प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो नहीं प्राप्त कर सकते, ये सब इसकी हानियां हैं। उपयोगिता इसकी बहुत है, है ना, उपयोगिता 220 MVA, है ना, मेगावाट तक, MW, है ना, 220 मेगावाट तक की क्षमता इसके द्वारा बिजली उत्पन्न की जा सकती है, समझ सकते हैं कितना ज़्यादा विद्युत का उत्पादन इस ज्वार भाटा के द्वारा हो सकता है, ठीक है। और आगे हम लोग देखते हैं, आगे उष्मागतिकी का शून्यवा नियम, ये क्या होता है इसके बारे में आइए देख लेते हैं। उष्मागतिकी का शून्यवा, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसके बारे में आप जान लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो उष्मागतिकी का शून्यवा नियम यह होता है, मान लीजिए यदि दो निकाय हैं, है ना, दो निकाय या स्रोत हैं जिनमें ऊर्जा क्या है, जिसमें ऊर्जा या ऊर्जा जिस किस रूप में है, उष्मा के रूप में, उष्मा के रूप में है, और वो दोनों क्या है, आपस में एक दूसरे संतुलित है। संतुलित होने का मतलब यह है कि दोनों उष्मा जो है समान होगा, अगर उष्मा समान नहीं होगा तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ उष्मा प्रसारित होगा कि नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा हो रहा है तो शून्यवा नियम नहीं है इसका मतलब, है ना।
यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के संपर्क में आते हैं, दोनों निकाय क्या है, संतुलित है, मतलब दोनों में टेम्परेचर क्या है, सेम है, और यदि यह दोनों निकाय किसी तीसरे के संपर्क में आते हैं, जैसे यहाँ पे है ना, यस वन यस टू है और इसके बाद तीसरा निकाय जो है यस थ्री है, अगर उसके संपर्क में आते हैं फिर भी तीनों को मिलाकर कंजुगेट होकर फिर भी इनमें कोई अंतर नहीं आता है ना, किसी प्रकार की इसमें हलचल नहीं होता, तब पर भी तीनों अगर संतुलित रहते हैं तो इस प्रकार के संतुलन को ही क्या कहते हैं, शून्यवा नियम, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का हलचल नहीं हुआ, मतलब टेम्परेचर क्या हुआ, शून्य रहा, ठीक है। तो ये शून्यवा नियम आपको समझ में आ गया, शून्यवा नियम का सीधा सा मतलब है अगर दो स्रोत हमारे पास उपलब्ध हैं स्रोत और उनमें अगर कोई तापांतर नहीं हो रहा है तो वह अगर दोनों स्रोत जो है किसी तीसरे के संपर्क में आते हैं फिर भी उनमें किसी भी प्रकार का हलचल किसी भी तापांतर नहीं हो रहा है और वो लोग आपस में संतुलित हैं तो इस प्रकार जो तापांतर मतलब होगा जो दोनों तीनों में ताप अंतर होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। इस प्रकार के नियम को ही क्या कहते हैं, जीरो लाभ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है ना, देख ले सकते हैं आप, ये तीन दो है, यस वन और यस टू पहले थे, है ना, यस टू है, ये यस थ्री लिख दिया है ना, यहाँ पे यस वन और यस टू थे और वो तीसरे संपर्क यस थ्री में आए, फिर भी इनके बीच कोई हलचल नहीं हुआ, तीनों क्या है, संतुलित है। तो इस प्रकार से जो नियम होता है शून्य नियम की अवधारणा है, ये एक धारणा है ना, होता है ऐसा, हो सकता है ना, और होता भी है, अगर तापांतर होगा तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाएगी ही जाएगी, ठीक है। ये एग्जांपल था इसका। और ऊर्जा क्या होता है, आप देख सकते हैं कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, जब सबको पता होगा ऊर्जा की आवश्यकता क्या है तो आप लोग समझ सकते हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता तो होगी ही होगी, है कि नहीं। उसी प्रकार विद्युत ऊर्जा है, जैसा कि हम लोग पिछले क्लासेस में अच्छी तरह से पढ़ लिए, विद्युत ऊर्जा, विद्युत के द्वारा जो ऊर्जा हमको प्राप्त होती है, हम लोग फैन चलाते हैं, मोटर चलाते हैं, मशीनें चलाते हैं, इस प्रकार की जो ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा के लाभ क्या है, बहुत लाभ है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, विद्युत ऊर्जा के द्वारा आसानी से कोई मशीन चल सकता है, विद्युत ऊर्जा सरलता से ऊर्जा को अन्य रूप में परिवर्तित कर देता है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित होकर किसी भी मशीन को रोटर को क्या करता है, घुमा देता है, जिससे हम लोग अपना काम करते हैं। विद्युत ऊर्जा का आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है, ये सब लाभ हैं, आप आराम से विद्युत ऊर्जा के लाभ लिख सकते हैं। पावर प्लांट क्या होता है, जैसे कि हमने पिछले ही क्लासेस में आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दिया है, तो आप ये पावर प्लांट अपने तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है, आप लोग इसको आराम से देख सकते हैं। उसमें जो हम लोग इनपुट देंगे प्राकृतिक ऊर्जा रहेगा, फिर उसके द्वारा टरबाइन नाचेगा और फिर अल्टरनेटर नाचेगा और क्या होगा, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी, है ना। तो ये सारी चीजें आप आराम से पढ़ लीजिए, देख लीजिए, आशा है आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे।